हेलो एवरी वन अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल डियर फ्रेंड्स दिस इज़ अभिषेक ठाकुर एंड यू आर वॉचिंग द चैनल अभिषेक ठाकुर दोस्तों अभी हम हैं बिहार के सिवान जिला के जिरादेही ब्लॉक के रुइया बंगरा गांव में आप सोच रहे होंगे कि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं तो मैं आपको बताते चलूं कि आपने अपने जीवन में कभी ना कभी नटवर लाल जी का नाम जरूर सुना होगा और यदि नहीं सुना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करें गूगल करें आपको पता चल जाएगा मैं तो चूँकि बिहार से हूँ तो मैं तो बचपन से नटवर लाल जी के बारे में जानता आया हूँ और जैसा कि लोग कहते हैं कि ही वॉज़ द ग्रेटेस्ट ठग ऑफ हिंदुस्तान उन्होंने जो ताजमहल है उसको उन्होंने तीन बार बेच दिया था अपनी बुद्धिमता से ताजमहल है फिर हमारा जो लाल किला है उसको दो बार बेचा था उसके बाद संसद भवन को उन्होंने बेच दिया था एक बार इतना ही नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे देश के उस समय उनका जो राष्ट्रपति निवास दिल्ली में है रायसीना हिल्स पहाड़ी पर उसको भी बेच दिया था उन्होंने तो उनके बारे में काफ़ी डिटेल जानेंगे तो ये नटवर लाल जी के गांव पे हैं हम लोग हम लोग उस गांव में हैं अभी उस जगह पे हैं जहां पे इनका नटवर लाल जी का जन्म हुआ था तो आइए विशेष बात करने के लिए यहां के जो कुछ लोकल लोग हैं वो विशेष तरीके से बता पाएंगे उनके बारे में तो आइए हम बात करते हैं क्या नाम है आपका मेरा नाम सुदर्शन शाह है ये सुदर्शन शाह जी हैं आप क्या जानते हैं उनके बारे में ये सुने हैं हमारे पिताजी अब वो बहुत घनिष्ठ दोस्त थे पिताजी के मुंह से सुना हूँ जी जी कि ये उनका बचपन तो यहीं भी था ये मंदिर में तीसरे तक स्कूल था अच्छा यहाँ उसके तीसरे तक पढ़ाई है इसमें इस हाँ। स्कूल अच्छा, हाँ, हाँ, तो में नटवर लाल जी की प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल था अच्छा अच्छा तो यहाँ से शिक्षा खत्म करके अब वो आगे गए कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े अब इसके विषय अच्छा अच्छा तो लोग जो कहा जाता है कि वो बहुत बड़े ठग थे आपका क्या कहना है? जी नहीं ठग थे नहीं थे चोर नहीं थे बेमान नहीं थे इसके लिए हमारे गांव वाले हमारे दीवार वाले झगड़ा कर देंगे झगड़ा कर लेंगे उन्होंने कभी किसी को मतलब कि सताया, सताया नहीं सताया नहीं किसी को छुड़े के बल पे पिस्तौल के बल पर कुछ, किसी नहीं। से कोई, कुछ नहीं कोई हत्या का आरोप नहीं है कुछ नहीं है बस अपनी बुद्धिमता की वजह से वो करते हैं ठीक है तो उनका घर भी है यहाँ पे बचा हुआ है उनके जमीन है जमीन वो है। जब सब कर लिए तो गवर्नमेंट ने उनको घर के वो कर दिया अच्छी कर लिया हाँ, हाँ। इसलिए घर तो टूट फाट कर सब ईट फूट लगा कर चला गया अच्छा अच्छा है? तो बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल पे हम लोग देखते हैं जैसे ये आप देख रहे हैं पीछे खंडा टाइप का लोग ये दिखा ये, देते हैं कि ये का है अच्छा उनके पटीदार उनके चचेरे भाई लोगों का है मतलब उनके पटदार का दूसरे पटदार का है जैसे नहीं होते हैं जी 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 इनके पीछे घर है उनका हम्म हम्म तो चलिए हम लोग को ले चलिए वहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये जैसा बता रहे हैं कि ये अभी है जमीन उन्हीं की उन्हीं की जमीन है जी उनका पैतृक स्थल यहीं पे पर इसी जगह पे उनका जन्म हुआ।, जन्म हुआ था इसी जगह पर उनका नाम मिथिलेश कुमार हाँ और उनकी जैसा मुझे पता है कि उनकी एक ही बेटी है जो रांची में रहती है नटवर लाल जी की और उनके भाई लोग गोपालगंज में रहते हैं हाँ हम लोग जब गांव में आए हैं दोस्तों तो अभी हम हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई है जिन्होंने नटवर जी को देखा है देखा नहीं उनके हाँ। काम भी किए हैं उनके घर हाँ। में काम हाँ। किए उनके घोड़ा रहता था अच्छा उनके पिताजी का घोड़ा रहता था बिल्कुल बिल्कुल नटवरलाल के पिताजी घोड़ा पालते थे हाँ। उनका देख करते थे हाँ। का नाम भैल बाबा हमारा नाम इंद्रदेव राय इंद्रदेव राजभर राजभर नटवर जी के बारे में कुछ बताएं याद बात नटवर के बारे में क्या नटवर लाल नहीं है जी आपसे मांग लेता है मांग को गरीब को दे देता है अमीर को लूटता है गरीब को दे देता है अपनों खातिर कुछ न किया अपने के लिए कुछ नहीं किया लोग दिल्ली बनारस बम्बे घर बन अपनों खातिर कुछ न किया अमीर से लूटा गरीब को दे दिया पुलिस पूछे पड़ी हुई थी कि उनको पकड़ना है अच्छा अच्छा पकड़ना है पुलिस सब भरा पड़ा हुआ था ये रोड नहीं था अब कल का रोड बना है ना ये तो पुलिस पीछे पड़ी हुई थी सब छपा मरा हुआ था लेकिन वो आए अपना औरत के भेष बनाकर आकर कन्या दान किए और निकल गए जाकर निकल गए वहाँ उनके वो जो है ये लाल वाला घर तो वहाँ बैठ कर अपने भाई जो भी हो भाई राय किए जो क्या क्या करना है तो वो साड़ी वाड़ी पहनकर जो भी औरत के मना कर आए अंतिम बार में भी पुलिस को चकमा दे के निकल हाँ। अपना साड़ी वड़ी बदलकर आए औरतें नहीं आती है गाने गाने बजाने उसी सुन में आए और दान देकर फिर चले गए जाने के बाद से पता लगा अरे ये तो कन्यादेन दान देकर चले गए तब पीछे पूरी पुलिस जो गए कहा कहीं जाकर किसी घर में लुक गए आप उनके लिए सबके दरवाजा खुला हुआ था अच्छा गांव में बहुत बढ़िया उनका मतलब मैं तो रहा हूँ कि देवता के समान थे नहीं। 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 तो मैं मैं जी जी। रहा एक कहानी ऐसा था था के जी 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 चल ऊपर उस समय जज को वो अपना वकील नहीं रखे थे नहीं। वो अपने ही वकालत कर रहे थे गए जज के सामने गए कहे की भाई हमको एक पान खाना है दो रूपया दे दीजिए जज ने कहा अरे दो रुपया कैसे दे दो भाई क्या, क्या करना नहीं हमको दो ही रुपया चाहिए ही चाहिए है तो दो रुपया जज ने निकाल दिया उन्हें कहा कि अब तो मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ अत हाँ मैं पान खाऊँ या फिर कर फेंक दूँ या कुछ भी करूँ इस पर तो आपका कोई अधिकार नहीं है तो नहीं आप कुछ भी तो आप बताइए अब आपके इच्छक जो आप दे दिए मैं ठग कहा हूँ चोर कहा हूँ आपने दिया और मैं रख लिया और उन्होंने शायद मैं सुनने में आया पैसा लौटाया भी नहीं जज आपको दिखाया नहीं दिखाया बंदूक तो जब आपको स्वेच्छा से दे दिया आपने आप मांग लिया नम्रता से मांग लिया आपने स्वेच्छा से दे दिए तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ यही मैं काम करता हूँ तो दोस्तों आपने देखा कि अभी हम लोग नटवर लाल जी का जो जन्म स्थल था वो दिखाए यहाँ के लोगों से बातचीत की काफी अनुभव इन लोगों ने अपना शेयर किया तो ये, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा